हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रगति धीरज सिन्हा है और ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। प्रोडक्शन के क्षेत्र में पहले बार मैं आई हूँ और शुरुआत भोजपुरी पिक्चर से कर रही हूँ। तो आप सब दर्शकों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। स्टोरी है, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। ये काम बात है, टीनेजर लव स्टोरी हिंदी में भी काफ़ी बनी है, लेकिन भोजपुरी में मैं चाहती थी एक बहुत ही मासूमियत से भरी कोई कहानी मिले, लोगों को देखने को मिले, फ्रेश फेसेस मिले। और संयोग की बात है कि मुझे इतने प्यारे प्यारे चेहरे मिल गए जोया और भारत जैसे, सो मैंने सोचा कि ज़रूर ये बनानी चाहिए। यदि हम साफ सुथरी पिक्चर दिखाएंगे, प्यारी सी मासूमियत से भरी पिक्चर दिखाएंगे तो लोग वो देखेंगे। अभी तक जो लोगों ने दिखाया वो लोगों ने देखा, हम अच्छा दिखा रहे हैं तो वो अच्छा देखेंगे। अपने आप टेस्ट चेंज होता है, टेस्ट कोई फिक्स नहीं रहता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है ना कि हमको नमकीन ही पसंद आए या मिठाई पसंद आए, सारे फ्लेवर्स चाहिए रहते हैं। तो ये पूरी फ्लेवर से भरी हुई पिक्चर है। फैमिली मूवी बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो चोरी छुपे यदि फैमिली वाले देखना भी चाहते हैं तो घर में पायरेटेड सीरीज लेके देखेंगे। यदि हम अच्छी पिक्चर बनाते हैं तो थिएटर तक पहुँचेंगे, महिलाओं को बच्चों को भी जाने में शर्म नहीं आएगी। जी जैसे जो मुख्य किरदार हैं वो जोया और भारत के आगे पीछे घूमते हैं, साथ में इनके माता पिता के रोल में जो है वो माया यादव जी है जो बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री है, और उसके बाद अरोरा जी हैं, अनूप अरोरा जी और पांडे जी हैं। ये सारे फेमस कलाकार हैं जो अभी तक लोग देखते आए हैं, उनको एक अलग रूप में आप देखें। इसके लिए क्या बोलना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुई है ना, तो अभी क्या शुरू यही बोलना है कि आधी हो गई बोलना। हाँ जी, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और पूरे जोर शोर के साथ हुई है, और दर्शकों को बस ये कहती हूँ कि एक दो महीने और इंतज़ार कीजिए, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट उनको मिलने वाला है, आँखों के जरिए वो दिल में उतरने वाला है। गानों की बात आती है तो भोजपुरी के बहुत ही फेमस म्यूज़िक राइटर है, कंपोज़र है, जिनका नाम है विनय बिहारी जी। उनके गाने हर कोई जानता है, हर कोई गुनगुनाना चाहता है, वही हमारे हैं। और लगभग 7 से 8 गाने हैं, 7 गाने तो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन एडिशनल शायद एक और गाना आएगा। सबको नमस्कार मेरा, और मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से। वहाँ भी भोजपुरी, अभी जैसा कि आप सब लोग कहते हैं कि भोजपुरी में वल्गैरिटी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर भी अभी अच्छी पिक्चर्स बनने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है भोजपुरी में सिर्फ वल्गैरिटी बनती है, अब अच्छी पिक्चर्स को देखकर वहाँ पर जब भी हमें नाम सुनने को मिला और व्रत जी से कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, मैं बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी अपना सोशल मीडिया पर अपना वीडियोज़ बनाता हूँ कुछ, जिसके थ्रू ब्रज जी से मेरा कांटेक्ट हुआ था, और उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ एक छोटा सा और मैंने ब्रज जी ने फिर स्टार्ट करवाया। मैं कर रहा हूँ और अच्छे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट रात को याद करता हूँ और मैं कल अगले दिन कल परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। भोजपुरी में आज का ही डायलॉग बोल दिया जाए, आज का डायलॉग था
वो लड़की जो है मेन हीरोइन वो तुम्हें बहुत पसंद है क्या भोजपुरी में? तो मैं बोलता हूँ कि मम्मा जो मेरी माँ है उनको पता है वो सिर्फ मेरे से मज़ा ले रही है, मुझे मजाक उड़ा रही है। तो उसमें मैं बोलता हूँ डायरेक्टर साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। डे फर्स्ट है आज हमारा शूटिंग का और काफ़ी अच्छा ब्रीफ करते हैं, अच्छा से समझाते हैं और भोजपुरी मुझे बहुत हद तक वही सिखा रहे हैं और अच्छा चल रहा है अब तक। तो मतलब मुझे भी मज़ा आ रहा है काम करने में और जैसा कि आपको भी मालूम है मेरा भी पहला पिक्चर है और होप फॉर द बेस्ट मैं अच्छा काम कर पाऊँ और अच्छा ही कॉन्टेंट बना पाऊँ। फिल्म की हीरोइन जोया, जोया वेरी ब्यूटीफुल, जोया बहुत खूबसूरत है और अच्छा काम करती है, वो भी मुझे हेल्प कर रही है काफ़ी भोजपुरी सिखाने में। मैं कोई भी भोजपुरी मूवी पूरी नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मैं भोजपुरी नहीं देखता था। अभी मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था इसके अंदर तो मुझे मौका मिला तो मैं इसमें करने के लिए आया। फिल्म करना टफ है, तो उससे काफ़ी टफ है क्योंकि वो जैसा कि प्रोडक्शन वो मेरी प्रोडक्शन है, उसमें कैमरामैन मेरा है और मेरी स्क्रिप्ट है, मैं ही हीरो हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ तो मुझे इजी लगता है, वो मेरे अकॉर्डिंग सबको चलता है। पर ये अब किसी और की प्रोडक्शन में आप आए हो और कोई डायरेक्टर है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है और इसमें थोड़ा ये टफ है, उससे टफ है। प्रोड्यूसर साहब ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल मेरा स्टे भी काफ़ी सही, मतलब जो भी एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अवेलेबल एक आर्टिस्ट को वो बिल्कुल सब वो करवा रहे हैं। अगर मेरे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और वो मुझे सही गाइड करती है, अच्छा रोया को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पहले से भोजपुरी में। लगावे लूँ जब लिपस्टिक अच्छी मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं, गाना गाओ दर्शक नाराज ना हो जाए। मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ ऐसे तो, अब मैं थोड़ा सा क्या गाना गाऊँ क्या मैं? एक लाइन करो, बोलते हैं जैसे लगावे लू जब लिपस्टिक लगावे लू जब लिपस्टिक खिले ला यारा डिस्टिक जीला टॉप लगे लू समथिंग लाइक दैट ना ऐसा ही। देखिए इस बहाने हमको सिर्फ यूपी बिहार या वहीं के लोग नहीं, जब हम अलग जो भोजपुरी नहीं जाते जानते हैं वो कलाकार जब इसमें आते हैं उनका जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तब हमको एक अलग मॉब भी मिलता है, एक बाहर के ऐसे लोग जिसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि साउथ इंडियन मूवीज़ जो भाषा नहीं जानते वो भी देखना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भोजपुरी जो भाषा है वो सिर्फ एक विशेष जगह में ही सीमित ना रहें, वो और ज़्यादा लोगों में प्रसिद्ध हो। जैसे हम लोग दूसरी भाषाओं को पसंद करते हैं वैसे ही भोजपुरी पिक्चर भी एक अच्छी नज़र से देखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मिले देखने वाली ऑडियंस। कैसा लगा ये पूछने की बात है एक्चुअली इस नहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये मेरी फर्स्ट मूवी है और यदि वो नहीं होते तो शायद हम प्रोडक्शन का सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है ना, कुछ भी नॉलेज नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ वो इतने अच्छे से बताते हैं समझाते हैं और बस उन्हीं के ऊपर हमने पूरी पिक्चर की बागडोर उन्हीं को सौंप रखी है और उन्होंने वही सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कोशिश कर रहे हैं वैलेंटाइन डे पे प्रेमी जोड़ों को एक गिफ्ट मिल जाए इस पिक्चर के माध्यम से कि सब साथ में मिल के पिक्चर देखने जाए। दुआ है ये हमारे साथ जोया खान जी हैं और ये फिल्म बन रही है टीनेजर लव स्टोरी भोजपुरी। अब मुझे लग रहा है कि प्रगति की ओर जा रही है क्योंकि इस फिल्म की निर्मात्री जो है उनका ही नाम प्रगति धीरज सिन्हा है, तो अब लग रहा है कि भोजपुरी प्रगति पे रहेगी। ये नया लड़की नहीं है, रिस्क इसलिए नहीं है कि किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना सब नए ही थे और
सारे लोग स्टार बने। और उसी तरह से भोजपुरी में भी पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, सब कभी नए ही थे। इवन आपके निरहू जी नए ही थे। तो नया ही तो पुराना होता है और वही बाद में सितारा बन जाता है, तो लोग उसको स्टार बोलने लगते हैं। नया भी है, प्लस वो भी होता है कि सिंगर हो जाता है, लोग लॉन्च करते हैं, सिंगर लॉन्च कर रहे हैं। और ये एक शिकायत रही है कि लोग अभी तक यही रट लगाते हैं, जबकि हमारे सिंगर्स जो एक्टर बने हैं वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं सारे ऑडियंस को एक म्यूजिकली दिमाग में फिट है कि ये सब तो सिंगर हैं, एक्टिंग अच्छा नहीं करते। तो मैंने कहा कि भाई एक्टर को ही लो जो एक्टिंग अच्छा कर सके, और सिंगर के लिए तो सिंगर सही हैं हमारे इंडस्ट्री में, सब एक से एक सिंगर हैं, भोजपुरी में भी और हिंदी में तो खैर हैं ही। तो इसलिए हमने कहा कि एक्टर को लिया जाए ताकि भोजपुरी वालों को कोई नया कुछ देखने को मिले। और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा लड़का वो भारत तो इसमें हीरो हैं, भारत गांधी, और ये जोया दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, भोजपुरी होते हुए भी थोड़ा सा भोजपुरी से हट के, ताकि लोगों को एक नया टेस्ट मिले, क्योंकि फिल्म की कहानी भी नई टेस्ट की है, तो इस तरह से लोगों को पसंद आती है। देखिए सबसे पहले हमारा एक सिलेक्शन में ये होता है कि कहा गया है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो किसी की चाह ही नहीं रहेगी या उसको हम ज़बरदस्ती एक्टर बनाना चाहेंगे तो बनेगा नहीं। तो एक तो इन लोगों की चाह थी, और दूसरा सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे थे। जैसे कि हमारे भारत हैं तो भारत गांधी जो है सो यूट्यूबर है और यूट्यूब बॉय है और काफ़ी स्टार है वहाँ का, और बहुत अच्छा नाम किया है, काम कर रहा है, जितने भी उसके सॉन्ग्स आए हैं ये आए हैं सारे लोग पसंद किए हैं, लाखों उसके दर्शक हैं। और जोया भी है तो शी इज़ वेरी डिवोटेड, ये करीब अभी जो दिख रही है 5-7 किलो ज़्यादा थी, तो मैंने पहले जांच के लिए कहा कि भैया 5 किलो ज़रा वेट कम करो, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत कम दिनों में ये एकदम फिट होके आई। कहती है कि देखिए मैं अब कैसी लग रही हूँ, एकदम परफेक्ट। तो जिसको इतनी डिवोशन होगी तो एक्टिंग तो हर कोई एक्टर है आज दुनिया में। तो ये तो यंग लड़की है और काफ़ी टिकटॉक और ये ज़माने में हर तरह की एक्टिंग करती रहती है, डांस भी जानती है अच्छा, और बाकी को डांस मास्टर होंगे सारे लोग काम कराएंगे। और खास करके कहा गया है कि वो खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, जब लड़की सुंदर है तो जो कुछ करेगी सब सुंदर ही दिखेगा। नहीं, मेहनत की तो मुझे आदत पड़ गई है और लोग इस बारे में जानते भी हैं। मेरी पहली भोजपुरी में मैं केरला की लड़की को लिया था, और सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि यार ये केरला की लड़की को लेकर क्या फिल्म बनाएंगे। अब मैंने क्या फिल्म बनाई होगी कि उसके आज ये मेरी 26वीं फिल्म है, तो दैट मीन्स उसने ज़रूर अच्छा किया होगा, फिल्म भी अच्छी बनी होगी, तभी तो आगे डायरेक्टर को 26 फिल्में मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है नयों को ही लेकर करना। उसमें क्या होता है कि टाइम का ये रहता है, ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वरना आर्टिस्ट आप भागते हैं, यहाँ आधे घंटे एक शॉट देंगे फिर कहेंगे मुझे उधर जाना है, ये फिल्म करनी है, वो फिल्म करनी है, तो वो काम करने से ज़्यादा उनका ध्यान इसी में रहता है कि अभी इस फिल्म से निकल के किधर भाग के जाना है। तो मैं शुरू से प्रेफर करता हूँ कि ये भागने वाले कलाकार क्या काम करें। दूसरी बात होती है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे मान लिया है सिस्टर का रोल करना है, लेकिन कर रहे हैं उसके साथ प्राइवेटली रोमांस, और डायरेक्टर ने कहा कि अभी आप इनको बड़े प्यार से राखी बांधिए और बहन की तरह इसे फील कीजिए। तो आप सोचिए कि अभी अभी आप रोमांस कर रहे थे तो अब कहाँ से आप फिल्म में बहन को करिएगा, तो कहीं से वो बहन दिखेगी नहीं और वो भाई भी नहीं दिखेगा। तो कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण मैं नए लोगों को प्रेफर किया हूँ। अब तक जिनको भी लिया हूँ तो भगवान की दया से वही सब स्टार बनते गए हैं, वही लोग तरक्की किए हैं, और शायद उन्हीं लोगों की तरक्की के कारण मैं भी एक दो पैसा तरक्की किया हूँ और आज तक यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। लोकेशन सारे अच्छे हैं हमारे,
और खास करके इसमें फोटोशॉप का भी बहुत ये है कि जिस मकान को कम पैसे में भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर रिच है तो सारे रिच लोकेशन को इन्होंने भी ओके किया, जबकि पेमेंट उसका ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों के कारण लोकेशंस तो आजकल फिल्म में ग्लॉसीनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो ज़माना भी नहीं है बिल्कुल कि वो कद्दू का लत्ती और गांव का ये सब दिखाइए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी ग्लॉसीनेस आई है, लाइफ स्टाइल भी बदला है, भोजपुरी पहले की तरह भोजपुरी अब नहीं रही है। हाँ, और यही कारण है कि मैंने अभी इंग्लिश में टाइटल रखा है। 66-67 में फिल्म बनी थी या 61-62 में एनी विनिंग इन पेरिस, हिंदी में पूरी फिल्म थी हिंदी में, और फिल्म का नाम था एनी विनिंग इन पेरिस, वो फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो, ये सब हिट फिल्में हैं हिंदी की, वो इंग्लिश में टाइटल था। तो भोजपुरी अब तो 50-60 साल की हो गई, तो अब इतना पीछे क्यों रहेगी, क्योंकि जो भी टीनेजर लव स्टोरी नाम रखा है। हालांकि कभी कभी दुख होता है, एक हमारे भोजपुरी वाले मिले तो मुझसे बोलते हैं कि भैया उसमें 3 हीरोइन है ना, अब 3 हीरो है ना, हमसे ये कहा किसने बताया, तो नहीं टीनेजर जो है, हमसे अरे किस क्लास में पढ़ते हो, तो 12वीं में, अगर तो 12वीं में हुआ टीनेजर का मतलब तो 3 हीरो हीरोइन समझ गए। तो एक आध हैं ऐसे, लेकिन वो भी अब उनको जानकारी दी जाएगी, मैंने समझाया बैठा के कि देखो टीनेजर का मतलब होता है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो ये सब में चूँकि 3 लगा है इसलिए 13 से 19 बरस के लड़के लड़कियों को टीनेजर कहा जाता है। तो कहा अरे भैया ये तो हम जन नहीं कर रहे थे, हम तो चलो अब ये फिल्म से लोग से जानेंगे बिल्कुल, इसमें जो टीनेजर होंगे उनको ज़रूर काम मिलेगा। सबसे पहले मैं देखने वाले सारे दर्शकों को जुया की तरफ से नमस्कार, और आप लोग कैसे हैं। मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, नो डाउट, और मुझे ये फिल्म सबसे पहले मैं सर से मिली थी, एक इवेंट था मैं गई थी वहाँ पे, तो सर मुझे दिखे, फिर वहाँ से बात थोड़ी सी बड़ी, और उसके बाद से सर पता नहीं क्या देखे मेरे अंदर, अब बता नहीं सकते, लेकिन कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो इनको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है या आगे बढ़ सकती है, तो ही मुझे ये लिए। और मैं बहुत लकी हूँ, थैंक यू सो मच सर कि आप मुझे ये चांस दिए। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मुझे आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है और सर मुझे लॉन्च कर रहे हैं, सो आप लोग इतना प्यार दो कि सर मुझे सेकेंड मूवी भी रखे। नहीं नहीं अभी तक तो बहुत सारे फर्स्ट मूवी बन के आए, लेकिन कोई स्टोरी अच्छी नहीं लगी, तो कोई ये हुआ ऐसे वैसे इसलिए नहीं, लेकिन इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आप इसकी धार में बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हूँ, जैसे कि हमेशा एटीट्यूड में रहती हूँ, किसी को भाव नहीं देती हूँ, यही सब है बस। कौन सी मूवी आपने देखी है? मैं लगभग सारी मूवी देखी हूँ भोजपुरी की, और मैं पवन जी को बहुत पसंद करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक उनके साथ छोटी सी क्लिक भी की थी, बहुत अच्छी रही उनके साथ में, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, खेसारी जी को भी बहुत पसंद करती हूँ, अभी तो वो बिग बॉस में गए हैं, मैं दुआ करती हूँ कि उनके चांद चांद लग जाए, जो भी है वो तो पहले से स्टार नहीं है, उसके बावजूद भी मैं दुआ करती हूँ। हाँ, दूसरी बात कि मैं इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना अच्छा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ, मैं उतना बड़ा तो रोल मुझे नहीं मिलेगा जैसे कि वो लोग तो अमरपाली जी हैं, जैसे कि काजल भगवानी जी हैं, उन लोगों के साथ वो लोग बड़ी बड़ी मूवी करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना अच्छा इस मूवी में कर जाऊँ कि लोग देख के बोले कि हाँ इसको भी एक चांस मिलना चाहिए। हमारे डायरेक्टर सर जो हमारे साथ में बैठे हैं, नो
डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। और दूसरी बात की अगर हम गलत करते हैं तो हमें प्यार से समझाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत प्यार से समझा देते हैं, हमें बुरा भी नहीं लगता है और हम बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। तो नो डाउट हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, और रही प्रोड्यूसर की बात तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर वो हमें चांस नहीं देते तो शायद हम इस फील्ड में काम नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कीजिए। मैं पहले तो बिग बॉस नहीं देखती थी मैं पहले उतना फोकस नहीं करती थी बिग बॉस पे, जब से खेसारी जी गए हैं ना तब से मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। आप देखने लगा हूँ क्योंकि उसमें हिंदी के बहुत सारे एक्टर्स आए थे और एक्ट्रेसेस, लेकिन दो तीन बार मैं देखा, जैसे उर्वशी ढोलकिया जो हमारी फिल्म सास रानी बहु नौकरानी, तो तब देखा, फिर इन दिनों खेसारी जी गए हैं तो थोड़ा देखना शुरू किया हूँ, क्योंकि ये भी बड़ी मेहनत से बेचारे बहुत नीचे से बहुत ऊपर आए हैं, और जो वो भी स्वीकारते हैं इस बात को कि मामूली शादी ब्याह में डांस करते करते आदमी आज एक स्टार बन जाए। तो जब भी कोई इस तरह की सफलता होती है तो मैं बड़ा इस पर गौर करता हूँ कि कोई आदमी से कुछ खास बात तो होगी, कोई ऐसे ही तो बात नहीं हो जाती है। तो तब से मैं थोड़ा कभी बीच बीच में देखता रहता हूँ सर, और मैं दुआ करता हूँ कि वो विनर रहें और कोई ना कोई अवार्ड लेके आ सकें। जाते जाते मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग सारे लोग के सारे जी को दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भोजपुरी ऐसा है वैसा है, तो हम लोग अपने पे कलंक ना लगने दें और उनको बहुत सारा सपोर्ट करें कि वो वहाँ से विनर बन के। जी जी जी, किरदार तो वही अपना पुराना सा है, मतलब माँ पिता का किरदार है इसमें भी, और ये अच्छी बात है कि नए हीरो लोगों के साथ मैं उनके पिता के रोल में आता हूँ और अच्छा लगता है। इनका वीडियो देखा है मैंने, जो हमारे हीरो साहब हैं, बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पर, और मैं बहुत प्रभावित हुआ इनके काम को देख के। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। जोया जी के बारे में मैं बहुत जानता नहीं हूँ, बाकी मिलजुल के बात करके बहुत अच्छा लगा, और उनको भी शुभकामना है। रथ सर मेरे बहुत ही सीनियर निर्देशक हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, और उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहता है। उनकी पिछली फिल्म काजल में भी मैं था। ये किरदार मेरा थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए है, जैसा कि बहुत सी पिछली फिल्मों में मैं कर चुका हूँ, और अच्छी बात यह है कि वो सारी फिल्में पिछली चली हैं अच्छी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये नवोदित कलाकारों के साथ ये फिल्म भी अच्छी चले। व्रत जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, मैसेज तो है, और व्रत सर जो भी फिल्म बनाते हैं उनकी पिछली सारी फिल्मों को ले लीजिए, समाज के लिए कोई ना कोई संदेश ज़रूर रहता है, इसमें भी संदेश है। अब वो क्या संदेश है ये तो अच्छी तरह हमारे निर्देशक महोदय ही बता पाएंगे या निर्माता बता पाएंगे, उनकी भी पहली फिल्म है निर्माता महोदय की, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ उस फिल्म के लिए। बहुत सपोर्ट करता हूँ, और लव मैरिज होनी ही चाहिए। वही छोटी सी पुरानी घिसी पिटी बात है कि लव मैरिज में पहले लव हो जाता है बाद में शादी होती है, और अरेंज मैरिज में पहले शादी हो जाती है बाद में लव होता है। हमारी तो लव मैरिज है, हाँ, किन मैरिज मैरिज। मैं अपने परिवार को फिल्म में कभी नहीं लाता, आप मुझे कभी फेसबुक पर फोटो तक नहीं देखे होंगे। नहीं, कभी फेसबुक पर भी आपने फोटो नहीं देखी। मैं परिवार को और फिल्म लाइन को दोनों को एकदम, यहाँ अपना एक अलग परिवार है उसकी। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों एक अलग अलग परिवार है, और यहाँ का परिवार है उसके बारे में जो भी पूछिए मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ, मेरी मैडम बनारस में ही रहती हैं, मेरे दो बेटे हैं, वो लोग अपने अपने कार्यरत हैं।
जी, वैसे तो मैं 4-5 बिग बॉस के सीजन के बाद धीरे धीरे देखना कम कर दिया, क्योंकि बहुत ही, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत घटिया लग रहा है वो। तो 4 दिन देखा मैंने खेसारी जी के कारण, मज़ा नहीं आ रहा। एक तो जाने पहचाने चेहरे नहीं हैं, पहले जो गंभीरता रहती थी बिग बॉस में वो अब बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कर दिया अपील, कर दिया, वोट दे दिया, अपील कर दिया, और क्यों नहीं करूंगा? अपने बीच का बच्चा है तो क्यों नहीं करूंगा उसके लिए? भाई हमारे भोजपुरी समाज का जुड़ा हुआ है, वो गया है तो उसके लिए अपील ही अपील है। और आगे भी इस बार तो जी मतलब नॉमिनेट होके बाहर नहीं निकलेगा, आगे भी उसको वोट देते रहें जब भी नॉमिनेशन उनका हो, तो ये मैं अपील करता हूँ सारे लोगों से। कहना क्या, मैंने इतनी बात कह दी, बहुत सीनियर हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उस दौर के बहुत कम निर्देशक बचे हैं जो इस ढंग से काम करते हैं। उसमें ब्रजभूषण जी हैं जो लगातार फिल्में बना रहे हैं। और सिनेमा के अलावा और कुछ करना चाहेंगे? कौन, मुझे कुछ आता ही नहीं, अगर मुझे यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप तो नहीं, रोल में लगता हूँ, रोल तो आप जो दीजिए करूँगा। हाँ, भाजपा में जाऊँगा और किसी में नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है। शुरू से मैं जनसंघ में बचपन से काम कर रहा हूँ, विचारधारा जोड़ती है, एकजुटता जोड़ती है। इतना बड़ा संगठन और किसी पार्टी का हो तो बताइए, जो एकदम जमीन से शुरू होकर आज आसमान तक पहुँच गया हो। जितने लोग मेंबर हैं इसमें, जो प्रतिबद्धता है, आरएसएस का काम करने का ढंग है, सबका अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, अपना अपना अपनी अपनी सोच है ये। भाई फिल्में इतनी हैं कि नाम एक दो का भूल भी जाऊँ तो बुरा मत मानिएगा। अभी विजेता की डबिंग करनी है, विवाह, एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, और अभी बंसी बिरजू कंप्लीट की है, जुग जुग जियो मेरे लाल, बहुत सी फिल्में हैं। और संजय भूषण जी को बंद मत करिए आप लोग कैमरा, हमारे प्रिय मित्र स्टार प्रचारक हम लोगों के, संजय भूषण जी की शादी है 23 नवंबर को, बट 24 को हो गई है, पता नहीं हमको तो उन्होंने बदल गई, मतलब रिलीजिंग डेट थी क्या कि आगे पड़ गई, चलिए 24 को ही है, जब भी है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सारे चैनल्स पर, इनको बधाई वैसे भी मिलेगी, बड़े बड़े स्टार लोग जाएंगे, मैं काम में फंसा हूँ इसलिए जा नहीं पाऊँगा, इसलिए इनको आप लोगों के माध्यम से बधाई दे दे रहा हूँ, और क्षमा भी मांग ले रहा हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्षमा करें। इनके एक नाम राशि हैं संजय श्रीवास्तव जी, उनकी एक फिल्म में बिजी हूँ बस, और क्या वजह हो सकती है हम लोगों के लिए? नहीं, अगर संजय जी छुट्टी दे दें संजय जी के लिए तो मैं चला जाऊँगा संजय जी के यहाँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं तो माँ का ही रोल करती हूँ, तो इसमें भी मदर का ही रोल प्ले कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे और अमृत जी के साथ काम करते हुए। इस फिल्म के जो हमारी महिला प्रोड्यूसर हैं प्रगति सिन्हा जी, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, और बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला प्रोड्यूसर आ रही है हमारी इंडस्ट्री में। और हाँ, जैसे कि ब्रज जी बहुत सारे लोगों को शुरुआत में मौका देते हैं, जैसे कि मुझे भी, मैं भी जब इंडस्ट्री में आई थी तो फर्स्ट मूवी मैं ब्रज जी के साथ की थी, और देखिए ब्रज जी का आशीर्वाद मिला और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। तो इसमें भी ब्रज सर दो बच्चों को मौका दे रहे हैं, एक है जो हमारे हीरो हैं भरत गांधी, और जोया खान जो हमारी हीरोइन है इस फिल्म के, तो मैं भरत जी की मदर का रोल कर रही हूँ, और अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, हमारी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, और बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो तो आप सब ज़रूर देखें।
जी बहुत ही प्यारा बच्चा है भरत गांधी जो हमारा हीरो है, इतना क्यूट है और इतना मतलब संस्कारिक लग रहा है ये लड़का। अभी अभी जस्ट उसके साथ सीन हुआ है मेरा और इतना अच्छा बोल पा रहा है भोजपुरी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब हरियाणा से ये बच्चा आया है हमारी इंडस्ट्री में, तो मैं भरत बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, वेलकम करूंगी हमारी इंडस्ट्री में कि ये बहुत बड़े स्टार बने हमारी इंडस्ट्री में। वैसे तो बहुत सारे हीरो लोग की शुरुआती तौर पर मैं मदर का रोल की हूँ, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि जब भी ब्रज जी फिल्म बनाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करते हैं, तो इसके लिए मैं फिर एक बार ब्रज जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि ये हमेशा मुझे याद किए। हाँ मतलब डेट के वजह से अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, और मैं भी चाहती हूँ कि सारी चीज़ों को अलग करते हुए मैं सबसे पहले ब्रज जी के साथ काम करूँ। ये जब सुनाए सर मुझे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे बताएं कि ये एकदम टीनेजर मतलब बच्चों की कहानी है, तो मैं कहानी अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको थिएटर तक जाना होगा। मतलब ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो आप देखिएगा कि कितना नयापन है इस फिल्म में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.